आपको पट्टी बांध दूंगा। माने भाई कहीं आंखें कहीं ये ठीक है। सवाल शुरू कर सकते हैं आप अब। पांच सवालों की गुंजाइश है। ठीक है। ये कोई खाने की चीज है? नहीं। किस लिए इस्तेमाल होती है? प्रोटेक्शन। अमूमन कौन इस्तेमाल करता है? अमूमन मर्द। तीन तीन सवाल हो गए। तीन हो गए भाई। क्या रंग है? वैसे अलग अलग रंग के होते हैं मगर अभी लाल है भाई, लाल है। एक और हिंट दे देता हूं, फटने से बचाता है। अगर आप लोगों के जहन में गंदगी डालना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? Well, make it acceptable. उसको आप लोगों के लिए आसान कर दें कबूल करना किसी भी तरीके से। ह्यूमर यानी कि मजाक एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से हम चीजों को आसान कर सकते हैं और करते हैं। मेरा एक पहले वीडियो पॉडकास्ट मौजूद है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा दिमाग है उसके अंदर पूरा एक जहां बसता है जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स, केमिकल्स के मुख्तलिफ पाथवेज हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनका ताल्लुक खुशी के साथ है, मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनका ताल्लुक एडिक्शन के साथ है, इमोशंस के कंट्रोल के साथ है, जिसमें स्ट्राइएशन है मिसाल के तौर पे अमिगडाला है। और मैंने वो सारे का सारा वो एक प्लेजर सर्किट का एक मैप एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके मुख्तलिफ केमिकल्स कैसे इन्वोक किए जा सकते हैं। नाउ अमिगडाला और ह्यूमर का भी आपस में ताल्लुक है कि एक चीज़ जब वो केमिकल सर्जेस है, मैं उसकी टेक्निकल डिटेल में जाके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्तलिफ केमिकल्स को जब इन्वोक किया जाए, ट्रिगर किया जाए, तो उसके बाद हमारे जहन रिसेप्टिव हो जाता है खुशी की स्टेट में जाने के बाद। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि जब जहन हमारा रिसेप्टिव होता है, खुश होता है, रिलैक्स हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी चीज के साथ आपने जो बिल्ड किया हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। जितनी सख्ती होती है उस जज्बे में वो खत्म होना शुरू हो जाती है। आप यकीन करिए हमारे वाघा बॉर्डर पे जो होता है, इधर से हमारे पाकिस्तान जो होते हैं डिफेंस फोर्सेज, उधर से इंडिया की डिफेंस फोर्सेज होती हैं और एक दूसरे को बड़ी वो मूछें अपनी दिखाते हैं और झंडे नीचे आ रहे होते हैं। फेयर इनफ, ठीक है, एक कल्चर है, मैं उसके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आप तजर्बा करके देख लें कि एक महीना, दो महीने, तीन महीने वहाँ पर करें कि आपका भी एक कॉमेडियन आएगा, हमारा भी एक कॉमेडियन जाएगा, तो आपस में सिर्फ वो लाइव के उधर के लोग भी सुने, इधर के लोग भी सुने, तो चीज़ आसान हो जाती है सबके लिए। राइट, जोगते होती हैं सबके लिए। ना इंडिया के खिलाफ वो इंटेंसिटी रहेगी पाकिस्तानियों में, ना इंडियंस के वो रहेगी पाकिस्तानी। और ये ऐसी बात नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें, रियल एक्सपेरिमेंट ऐसे ही हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जाहिर सी बात है, दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, प्रॉब्लम तो है। लेकिन जब एक दूसरे की फिल्में देख रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं, एक्टर्स उधर के इधर जा रहे हैं, इधर के उधर जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, ह्यूमर है, ना इंडिया बुरा लगता है ना पाकिस्तान बुरा लगता है। दिस इज़ बेसिक व्हाट हैपेंस। और ये कोई दुनिया में कोई ये बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये आउट ऑफ द एयर कोई भी इसको करे। इसके पीछे पूरी फिलोसफीज है, पूरी साइंस है, इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी है इसके पीछे कि किस तरह से ह्यूमर को दो हिस्सों में तकसीम करके यूज़ किया जाता है। पहले हिस्से में कैसे पैराडॉक्स क्रिएट किया जाता है, फिर कैसे उसको रिजोल्व किया जाता है। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्टेज पर नहीं होते हैं उसी चीज़ से और जब उसको रिजोल्व करते हैं, दैट्स बेसिकली वो रिजल्ट्स इन ह्यूमर। सो ये पूरी की पूरी एक साइंस है और हमारा मीडिया बड़ा वेल अवेयर है कि इस साइंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं। अब इस तफसील के बाद आते हैं असल बात की तरफ कि ये जो भी हम देख रहे थे कि एक किस कोई बचा नहीं है, किसी को नहीं पता कि ये जू मनी बातें क्यों की जा रही थी। सबको पता है कि असल में यहाँ पे क्या बिक रहा था, ये क्या बेचना चाह रहे थे। एवरीबडी नोज दिस। इसका कोई मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि नहीं नहीं यार वो तो हेलमेट की बात कर रहे थे। अगर आप इतने छोटे बच्चे हैं तो ये वीडियो भी आप छोड़ दें, मेरा ख्याल ये आपके देखने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मैच्योर इनफ हैं टू नो कि असल में वो किस चीज़ का जिक्र कर रहे थे जिसका मैं नहीं जिक्र करना चाहता, यानी इस हद तक ये गंदगी हो सकती है। और मुझे ये बताया गया कि ये जो यहाँ पे ये वो बच्चा और बच्ची बैठे हुए थे ये बहन भाई हैं। आई एम नॉट एंटायरली श्योर इफ दैट इज ट्रू, मैंने सिर्फ सुना है, गलतफहमी हो सकती है अगर जो मैंने बड़े रिलायबल सोर्स से सुना है, लेकिन मैं कंफर्म तो नहीं करूंगा। लेकिन वाकई अगर ये बहन भाई हैं तो ये तो बात हमारी तेजी से ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है, इतनी तेजी से कर रही है कि हम हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। यानी हम ये अभी लिबरल से बात होती है तो हम उनसे कहते हैं कि यार अगर आपके घर में माँ बहन बेटी ऐसा कर रही हो तो हाउ वुड यू फील, जो आप दूसरों की बहन बेटी के लिए चाहते हैं। उन्होंने हमारे सामने रख दिया कि ये देखो ये बहन भाई कर रहे हैं, फिर दिस इज द लेवल वी हैव गॉट टू ऑलरेडी। अब और ये जो ह्यूमर है ये इसको हल्का ना लीजिएगा कि जिस तरह से ये जहर डाल रहे हैं एक एंटरटेनमेंट प्लेफुल डिलाइटफुल तरीके से हमारे जहन में इसको डाल रहे हैं, इसको हल्का ना लीजिएगा।
पता है आपको और लोग कौन है जो ह्यूमर को यूज करते हैं अपने खतरनाक आइडियाज को लोगों के जहन में डालने के लिए? अमेरिकन ऑल्ट राइट. अमेरिकन ऑल्ट राइट यानी कि जो वहां का जो दाएं बाजू के एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो नियो नाथसीज हैं, नीचे की जो फिलोसफी से जो इंस्पायर्ड हैं, वो लोग ह्यूमर को यूज कर रहे हैं. और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियन कमीशन है वो कह रहा है, उनकी पूरी रिपोर्ट है इस पर कि किस तरह से ह्यूमर को यूज करके लोगों के जहन में अपने आइडियाज डाल रहे हैं. यानी कि ये इतनी खतरनाक चीज है. तो फॉर्मूला क्या है? कोई भी माशरे में गंदगी फैलानी है, कोई भी बेहयाई, फहाशी, बेगैरती, कुछ भी फैलाना है, उसको जू मनी जुमलों में ह्यूमर में लेके आ जाओ और लोगों के सामने रख दो, एंड दैट्स फाइन. नाउ अब मैं ये जो दो ये एक्टर एक्ट्रेस बैठे हुए थे, अगर वाकई ये बहन भाई हैं, यू नो फेयर इनफ, मेरा उनसे उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं. ताबिश साहब जो हैं उनसे भी मेरा लिमिटेड गिला इस हवाले से कि आई डोंट थिंक कि उनको पता है कि ह्यूमर को न्यूरोसाइंटिफिकली किस तरह से यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजिकली कैसे यूज़ किया जाता है, इनकंग्रुइटी थ्योरी क्या होती है. बाकी जो कैमल्स हैं सर, डोपामाइन और सेरोटोनिन एंड सो, आई डोंट थिंक ही नोज दैट. लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको ये सारा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब स्क्रिप्ट आपके सामने आता है तो आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं. फिर ये बॉडी लैंग्वेज, ये हंसना और अपनी मर्जी के वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ बिठाए कि फलां चीज़ भी आपने ज़्यादा हंसना है. To achieve exactly what in Islamic Republic of Pakistan? What exactly? कि हमारा cultural paradigm सारा change हो जाए. आज आप लोग इसको zoom only जुमलों में कह रहे हैं, कल आप इसको open discuss कर रहे होंगे. यहां तक तो चले गए हैं ना कि शादी की जरूरत नहीं है, जूम वाली जुमलों में इन चीजों का भी जिक्र करना शुरू कर दो. और इवन वेस्ट में भी सर्टन टाइम्स होते हैं, वहां पे एवरी नाउ एंड देन लेजिस्लेशन आती रहती है कि इस टाइम से पहले हम इस तरह की चीजें नहीं करेंगे कि बच्चे देख के उसे बुरी तरह से इन्फ्लुएंस हो, गलत इन्फ्लुएंस हो. ये हम ही इतने लिबरल से ज्यादा लिबरल हो गए हैं कि उनका पैसा देख के उनकी इस कदर हम उनकी एक्सटीरियर से हम इतने मुतासर हुए हुए हैं. ये कोई शर्म हया नाम की चीज ही नहीं रही है. खैर बात इस पे हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई, मैं आपका इससे मज़ीद वक्त नहीं लूँगा. और मैं ये चाहूँगा भी नहीं कि ये एक पैटर्न बने कि वहाँ से एक चीज़ आए और मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ. देर इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी डन. मैं ये कहता हूँ कि हमें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना चाहिए, एक हैशटैग क्रिएट करना चाहिए जो कि आपको इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा. ट्विटर पर कंपेन स्टार्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं, जियो के बायकॉट की करते हैं. आप यकीन करें, जब तक इन लोगों को फाइनेंशियल हिट नहीं लगेगा तब तक ये लोग हमारी रगों में ऐसे ही बेहयाई और फहाशी को ये इंसर्ट करते रहेंगे. हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, यार मुझे शर्म आती है कि अगर कोई किसी बाप अपनी बेटी के साथ, ना समझ बेटी के साथ, अगर ये प्रोग्राम देख रहा हो और उसकी बेटी इस पर कोई सवाल कर दे कि पापा ये क्या चीज़ पूछ रहे हैं, उसे क्यों नहीं इससे समझ आ रही, तो वो बाप कहाँ अपना पूछ पाता होगा. अगर मैं गैरतमंदों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये बात सुनकर नहीं अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ मैं आपसे मुखातब भी नहीं हूँ. मैं जो गैरतमंद लोग हैं मैं उनसे मुखातब हूँ. दिस इज़ वट वी कम डाउन टू. तो एक स्ट्रॉन्ग बाइकआउट मूव हमें स्टार्ट करनी होगी. आज से इसको शुरू करते हैं, इसको ट्विटर पे लेके जाते हैं, इसको सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं और इस प्रोग्राम का बाइकआउट करते हैं. रेटिंग्स नीचे आएंगी. देखें, इनको पैसा इफेक्ट करता है, गैरत नहीं. भूल जाएं उस बात को. गैरत इज द वर्ड इज डजंट एग्जिस्ट इन द मैनी मोर. और मैं बार बार कहता हूँ, जो सिस्टमेटिक एक्सेप्टेंस है गुनाह की, ज़ाती ज़िंदगी में सबका चलता है. मैं तो जो खुदा का तकाजा नहीं है, मैं नहीं कहता वो आपका तकाजा हो, लेकिन ये लोग तो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं. इसलिए बाइकआउट करना ज़रूरी है. यही हमारी पब्लिक पावर है, यही पीपल पावर है कि हम इन्हें दिखाएंगे कि हमारी स्क्रीन पर क्या चलेगा. हम दिखाएंगे ये हमारा पाकिस्तान है. हैशटैग आपको इसके साथ मिल जाएगा, यूज़ करें. जहाँ भी कॉमेंट करें, ट्विटर पर करें, फेसबुक पर करें, ट्विटर ज़्यादा इफेक्टिव है, इस हैशटैग के साथ करें. लेट्स सी कि अब ये पाकिस्तान हमें से अपना बचाते हैं या ये हमारा पाकिस्तान हमसे छीन के ले जाते हैं. दीन की बात फैलाना सदका जारिया है. सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकअल्लाह.